नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट यानी ईशानमुखी प्लॉट के बारे में, जिस प्लॉट के एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है और दूसरे कॉर्नर में ईस्ट आता है। ऐसे प्लॉट को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर फेसिंग प्लॉट कहा जाता है। इसे विदिशा प्लॉट भी कहा जाता है और डायगनल प्लॉट भी कहा जाता है। ऐसे में जब हम प्लॉट के अंदर खड़े होते हैं और बाहर फ्रंट की ओर देखते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री सामने नज़र आता है तो ऐसा प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट कहलाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे प्लॉट के अंदर हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए घर बनाते समय? आपका अपना घर बना हुआ है तो भी आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरी इस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके काम की जरूर मिलेंगी, ताकि आपके घर के अंदर खुशियां बढ़ सकें। आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो ऐसे में आप मेन गेट ईस्ट कॉर्नर में यहां पर भी लगा सकते हैं, आप अपना मेन गेट नॉर्थ कॉर्नर में यहां पर भी लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट सेंटर में लगाना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर में भी आप अपना मेन गेट लगा सकते हैं। ये तीनों दिशाएं मेन गेट के लिए अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। अब हमेशा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो आपकी फ्रंट की बाउंड्री वॉल है वो हमेशा ही पतली होनी चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। और फ्रंट की दीवार हमेशा ही बैक साइड यानी साउथ वेस्ट की दीवार से नीची होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की दीवार हमेशा ही मोटी होनी चाहिए और ऊंचाई में ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की दीवार हमेशा ही नीची होनी चाहिए और दीवार की जो मोटाई है वो साउथ वेस्ट की दीवार से पतली होनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। फ्रंट का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और आपने अपने यहाँ फ्रंट में भी ओपन एरिया रखना है और बैक साइड में भी ओपन एरिया रखना है, तो ऐसे में आपने क्या करना है? मान लीजिए आप अपने यहाँ फ्रंट में ओपन एरिया लगभग 10 फीट का रखते हैं, तो आपको बैक साइड में यानी साउथ वेस्ट के एरिया में 10 फीट से कम लेस माइनस ओपन एरिया रखना है। इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है यदि आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट में घर बनाकर बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। नॉर्थ ईस्ट का ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए और साउथ वेस्ट का ओपन एरिया कम होना चाहिए। इसी के साथ जो आपका ओपन एरिया साउथ वेस्ट का है वो फ्लोर लेवल में ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का ओपन एरिया फ्लोर लेवल में नीचा होना चाहिए। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर के अंदर हमेशा ही खुशियां बढ़ेंगी। इसी के साथ जब नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट होता है तो ऐसे में फ्रंट के भाग में यानी ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ कॉर्नर तक आप ईस्ट कॉर्नर में गेट लगाते हैं तो यहाँ पर आपकी अपनी पार्किंग बन जाएगी, और नॉर्थ कॉर्नर में गेट लगाते हैं तो यहाँ पर आपकी अपनी पार्किंग बनेगी। ऐसे में आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो ये एंट्री आपकी साउथ ईस्ट की बनती है, और आप नॉर्थ की साइड गेट रखकर एंट्री रखते हैं तो यहाँ से आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट की बनती है, जो कि दोनों ही एंट्री वास्तु के अनुसार अच्छी मानी जाती है। अब ऐसे में आपको किचन कहाँ बनानी चाहिए? चाहे एंट्री आप नॉर्थ की रखें चाहे एंट्री आप ईस्ट की रखें, आपको किचन साउथ ईस्ट जोन में अग्निकोण में यहां पर आपको अपनी किचन बनानी ही चाहिए। ये किचन आपके घर के अंदर खुशियां लेके आएगी, हेल्थ अच्छी रखेगी और साथ में घर के अंदर पैसे आने के साधन लगातार बने रहेंगे, तो इसलिए किचन हमेशा ही साउथ ईस्ट जोन में बनानी चाहिए। ध्यान रखना है आपने अपने यहां पर टॉयलेट बाथरूम कहां बनाने हैं। टॉयलेट बाथरूम आप वेस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ वेस्ट तक इस जोन में आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। यहां पर टॉयलेट बाथरूम बनाने से किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं लगता। अब इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा, आपको अपने यहां पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक, सबमर्सिबल बोरवेल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कहां बनाने चाहिए, वो आपने अपने यहां फ्रंट में ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट होते हुए नॉर्थ कॉर्नर तक इस जोन में आप जहां चाहे वहां पर आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रंट
पानी को एक्सेप्ट करता है, गहराई को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर जितनी गहराई होगी, जितना पानी का काम होगा, घर के अंदर खुशियाँ उतनी ही बढ़ेगी। आपने अपने घर के अंदर सेफ्टी टैंक बनाना है, तो ऐसे में सेफ्टी टैंक आप कहाँ बना सकते हैं? मान लीजिए आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ में आप अपना गेट रखते हैं, तो गेट के अंदर चलते ही जो पार्किंग एरिया बनता है, नॉर्थ वेस्ट जोन जो बनती है, यहाँ पर आप अपना सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। अगर गेट आप ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं और गेट के ठीक सामने आप पार्किंग बनाते हैं, तो यहाँ पर इस दिशा में आपको सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। यहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं देर सवेर एक्सीडेंट होने के कारण बन सकते हैं, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेफ्टी टैंक नहीं बनाना है। आपने अपने यहाँ सेफ्टी टैंक बनाना है तो वो नॉर्थ वेस्ट की ओर बनाना चाहिए। आपका अपना घर बना हुआ है और आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे में आप साउथ से साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक इस हिस्से में फर्श का लेवल ऊंचा कर देते हैं या दीवार का लेवल ऊंचा कर देते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या से एक बार को आपको राहत जरूर मिल जाएगी। कोई काम आपका नहीं बन रहा तो आपका काम भी जरूर बन जाएगा। क्या काम करने से? फर्श का लेवल ऊंचा करने से और साउथ वेस्ट की दीवार ऊंची करने से। इसमें आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका फ्रंट का भाग है यानी नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है, उस भाग के अंदर आपको रेड कलर या पिंक कलर का स्टोन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मेन गेट के जो पिलर बनेंगे वो दीवार की लेवल के बराबर रहेंगे। मेन गेट के पिलर दीवार की मोटाई से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने चाहिए। जितनी दीवार की मोटाई है उसी दीवार की मोटाई के बराबर ही आपके पिलर हो, और जितनी दीवार का लेवल है यानी दीवार का जो टॉप का लेवल है उसी लेवल के बराबर आपका पिलर होना चाहिए और उसी के लेवल के बराबर आपका मेन गेट होना चाहिए। और मेन गेट यहाँ पर वजन में हल्का होना चाहिए, जाली वाला होना चाहिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसमें आपने एक बात और ध्यान रखनी है, फर्श की ढलान और छत की ढलान हमेशा ही साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी ही चाहिए, साउथ से ईस्ट की ओर और वेस्ट से नॉर्थ की ओर, यानी कंप्लीट ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आनी ही चाहिए। मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको बताया है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर घर किस प्रकार से बनाना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपका अपना घर बना हुआ है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं, या आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट भी कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपके घर का वास्तु दोष सही करने में सहायक जरूर होगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।